नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ई सर्विसेज में। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा पेटीएम पोस्टपेड के बारे में। पेटीएम पोस्टपेड आप लोग अभी सभी लोग ज़्यादातर यूज़ कर रहे होंगे, तो आप यूज़ करते हैं तो आपके लिए एक बुरी खबर है, क्योंकि पेटीएम पोस्टपेड जिस दिन से आप एक्टिवेट करते हैं उसके साथ साथ एक और लोन एक्टिवेट हमारे सिविल पे दिखाई दे रहा है। तो देखिए, मैं आपको एक एक करके पूरा डिटेल बताऊंगा, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए जिससे आपको पूरी जानकारी मिल सके, क्योंकि ये हमारे सिविल के ऊपर है। सिविल एक बार ख़राब हो जाएगा तो हमारा दोबारा सिविल जल्दी बनता नहीं है, हमारे करियर को समझ लीजिए ख़राब कर सकता है, और हो भी रहा है बहुत लोगों का। मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाऊंगा, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, रिक्वेस्ट है, क्योंकि आपके ऊपर है, हमारा काम है इन्फॉर्मेशन देना। मैं भी कंप्लेंट किया हूँ लेकिन अभी तक कोई रिस्पांस नहीं आया है, रिस्पांस बस दो बार आया है लेकिन उस पर सोल्यूशन नहीं हुआ है, उस जिसके लिए मैं यहाँ पे कंप्लेंट किया हूँ। तो देखिए, यहाँ पे मेरा भी पेटीएम पोस्टपेड यहाँ पे एक्टिवेट है, मुझे 44,000 का लिमिट दिया गया है, देख लीजिए यहाँ पे 44,000 का लिमिट दिया गया है। आप चाहे जो भी एप्लीकेशन यूज़ करते हो, चाहे कोई भी एप्लीकेशन से आप सिविल स्कोर चेक कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे देखिए पेटीएम का ही एप्लीकेशन यूज करके सिविल स्कोर चेक कर रहा हूँ, तो आप भी अपना सिविल स्कोर चेक करिए। यहाँ पे देखिए व्यू ऑल एंड क्रेडिट कार्ड एक्टिवेट अकाउंट्स पे क्लिक करके हम पूरा डिटेल देखेंगे, जितने भी हमारे अकाउंट्स एक्टिवेट रहेंगे लोन वन सब दिखाई देगा। देखिए यहाँ पे क्लिक फाइनेंस दिखाई दे रहा है, क्लिक फाइनेंस जो हमें पेटीएम पोस्टपेड का लिमिट प्रोवाइड किया है, लोन प्रोवाइड किया है, ये क्लिक फाइनेंस है। देखिए 44,000 का हमें लिमिट प्रोवाइड की गई है, लेकिन उसके साथ देखिए यहाँ पे अर्थ इम्पैक्ट का एक हमें लोन दिखाई दे रहा है। ये जो भी पेटीएम पोस्टपेड यूज कर रहा है वो सभी लोग को दिखाई दे रहा है, मैं आपको प्रूफ भी दिखाऊंगा, वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसका सोल्यूशन भी बताऊँगा। तो देखिए इम्पैक्ट यहाँ पर 40,000 रुपये का हमें लोन सेक्शन मिला है, सेंसन लहर जो कि हमें पास हो गया है, 40,000 का लोन ये पास हो चुका है। ये देख रहे हैं आप एक्टिव ही बता रहा है, ये एक्टिवेट अभी है, देखिए बाकी सब तो सही दिखा रहा है लेकिन ये एक्टिव बता रहा है हमारे लोन अकाउंट पे, हमारे सिविल पे एक्टिव बता रहा है। आप अपना भी चेक कर लीजिए सही है कि नहीं। तो देखिए ये इससे क्या रहता है, हमारा सिविल डाउन होता जा रहा है, दिन पे दिन डाउन होता जा रहा है, क्योंकि हम इसका अमाउंट तो पेड कर नहीं पा रहे हैं। यहाँ पे क्या वो कितना अमाउंट डाला है, क्या इसका नियम है, कुछ हमें पता नहीं है, लेकिन मैं ये 2 महीने से देख रहा हूँ, मुझे लगा मेरा ही प्रॉब्लम है, लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ करीब इनके ट्विटर हैंडल पर देख रहा हूँ कम से कम 100 मैसेज आया है ये सिविल के कारण, सिविल के ऊपर 100 मैसेज आया है। तो मैं आपको अब दिखा देता हूँ उनके वेबसाइट पे। एक अर्थ इम्पैक्ट एक बिजनेस प्रोवाइड करता है, बिजनेस लोन प्रोवाइड करता है, छोटे मोटे बिजनेस को लोन देता है, जो भी छोटे मोटे बिजनेस करना चाहते हैं उनको लोन, माइक्रो फाइनेंस एक समझ लीजिए, वो लोन प्रोवाइड करता है। तो ये कहाँ से, हमने आज तक कोई लोन लिए नहीं, फिर भी ये दिखाई दे रहा है आज तक के, जब से मैं ये लिया हूँ क्लिक्स फाइनेंस तब से ये दिखाई दे रहा है। तो चलिए मैं आपको इनके वेबसाइट पे जाके दिखा देता हूँ। मैं इनके ट्विटर हैंडल पे भी ट्वीट किया था लेकिन सॉरी वो ट्वीट डिलीट हो गया मुझसे, तो मैं आपको उसका वहाँ से बस मेल जो मुझे आया था मैं आपको वो भी दिखाऊँगा, सारा डिटेल मैं आपको दिखाऊँगा। तो चलिए पहले इनके वेबसाइट पर जाते हैं, फिर आगे का प्रोसेस मैं आपको दिखाऊँगा कैसे इनको कंप्लेंट करना है, नहीं तो आपके सिविल पर बहुत इफेक्ट पड़ेगा। तो चलिए इनके वेबसाइट पर जाते हैं। तो देखिए ये अर्थ है जो माइक्रो बिजनेस प्रोवाइड करती है, सेम एम्प्लॉय जो है उनको बिजनेस प्रोवाइड करती है, ये डिजिटल फाइनेंस देती है। तो देखिए यहाँ पे सबको डिटेल दिया है, कुछ भारत के कुछ शहरों में यहाँ पे 1800 पिन कोड पे यहाँ पे अवेलेबल है। तो देखिए यहाँ पे हमने कोई लोन नहीं लिया है, मैं तो नहीं लिया हूँ, हो सकता है आप लिए हों कि नहीं लिए हों, क्योंकि जब से मैं ये पोस्टपेड एक्टिवेट कराया हूँ तब से ये आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे कंप्लेंट देखिए इनका जितने भी सोशल मीडिया हैंडल्स हैं यहाँ पे दिया हुआ है, लेकिन कोई भी कॉन्टेक्ट नंबर नहीं दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए ईमेल आईडी भी दी गई है और यहाँ पे सारा इनके सोशल मीडिया दिए गए। तो मैं ट्विटर पे आपको इनका प्रूफ दिखा देता हूँ। ट्विटर पे देखिए, ट्विटर ओपन हो रहा है, देखिए ट्विटर पे देख लीजिए, आपको देखने को मिल जाएगा करीब 100-200 मैसेज इनको सिविल के ऊपर गया है। ये देख लीजिए आप ट्विटर हैंडल देख लीजिए, हो सकता है आपको काम आ जाए, कंप्लेंट करना ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पे हमारा सिविल के ऊपर। देखिए पहला ही मैसेज देख लीजिए 10 जून का है, ये अभी 2-3 दिन पहले का ही है, देख लीजिए पीएमओ इंडिया को भी टैग करके किया गया है, और सब जितने भी आपको ट्वीट दिखेंगे सारा पेटीएम वाले का ही दिखेगा, जो पेटीएम पोस्टपेड यूज कर रहा है सब उन्हीं लोग का दिखेगा। देखिए और यहाँ से बस इतना ही रिप्लाई आएगा, देख लीजिए support@digitalarthdigital.net, यहाँ पर बस इतना ही बोला जाएगा कि हम मेल करिए, लेकिन मेल करने के बाद हमारा वो कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल पा रहा है। मैं वो भी दिखाऊंगा, मैं मेल किया हूँ, देखिए यहाँ पे जितने भी लोग मैसेज किए हैं सब भी ट्वीट किए हैं, सबका सिविल के ही ऊपर है, देख लीजिए यहाँ पे, देख लीजिए मेरा क्रेडिट स्कोर पे फ़र्क पड़ रहा है, इन्फॉर्मेशन शो करते हैं, मैंने आपके कंपनी से कोई लोन नहीं लिया था,
तो क्यों मेरे सिविल ख़राब कर रहे हो मोबाइल में, ये सब दिया गया। देखिए यहाँ पे सब कुछ, यहाँ पे वह सबको वही मैसेज जा रहा है, देख लीजिए। सबका जितने भी प्रॉब्लम्स है, सबको पेटीएम पोस्टपेड यूज़ कर रहे हैं, सबको वही जा रहा है। आप जहाँ भी देखेंगे इनके अकाउंट पे जाके देख लीजिए, सारा ये अकाउंट देख लीजिए, देख लीजिए आप सबको लोन का। देखिए पेटीएम पोस्टपेड यहाँ से भी है, पेटीएम पे लेटर अकाउंट जो क्लोज माय से हुई, देख लीजिए ये सब पेटीएम जितने पोस्टपेड एक्टिवेट कराए हैं सबको यही अर्थ का ये शो हो रहा है। तो आपको अगर अभी भी ट्रस्ट नहीं है तो अपना सिविल चेक कर लीजिए। अब मैं एक बात बता दे रहा हूँ, देखिए अगर आप भी अपने आपके अकाउंट पे भी शो हो रहा है तो आप अगर इनको ट्वीट करना चाहते हो तो सबसे बेटर तरीका है ट्वीट। ट्वीट अगर कर रहे हैं आप, यहाँ से रिप्लाई आ रहा है कि आप देखिए सबको यही रिप्लाई जा रहा है, तो आप यहाँ इनको मेल करिए। लेकिन फिर भी मेल करने के बाद भी आप यहाँ पे ट्वीट करिए तो पहले RBI को टैग करिए, पेटीएम को टैग करिए और इनको टैग करिए। टैग करने के बाद फिर आप ट्वीट करिए। यहाँ पे मेल का भरोसा ज़्यादा मत रखिए, ट्वीट ज़्यादा रखिए, क्योंकि मेल कर रहे हैं तो वो बस इनको पता चल रहा है, लेकिन आप ट्वीट कर रहे हैं तो सारे जन को, तीनों जन को पता चलेगा। तो यहाँ पे कुछ इफेक्ट हो सकता है, कुछ यहाँ पे हमारा जो है जल्दी से काम हो जाए, हमारा सिविल पे हट जाए, जो सिविल पे शो कर रहा है वो हट जाए। देख लीजिए यहाँ पे सब सबको वही शो हो रहा है, यहाँ पे देख लीजिए सबको वही प्रॉब्लम है, सारे ही लोग को वही प्रॉब्लम है। तो आप अपना काम जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि सिविल एक ऐसा है कि एक बार बिगड़ गया तो दोबारा जल्दी सही नहीं होगा। मेरा भी सेम वही प्रॉब्लम है, मैं आपको दिखा चुका हूँ। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ इनका, जो मैं इनको मेल किया था। तो देखिए यहाँ पे मैंने मेल किया था 2 अप्रैल को, 2 अप्रैल, आज है 13 अप्रैल है। तो देखिए यहाँ पे मैंने सब कुछ उनको डिटेल दिया, स्क्रीनशॉट दिया, जो कि 1 दिसंबर 2020 से ही मेरा एक्टिवेट है। देख लीजिए यहाँ पे स्क्रीनशॉट जो दिया हूँ मैं वो हिसाब से बता रहा हूँ। तो 1 दिसंबर 2020 से ही ये सिविल पे शो हो रहा है। तो मैंने मेल कर दिया था इनके, जो हिसाब से मैंने ट्वीट किया था वहाँ पे वही सेम रिप्लाई आया था। पहले तो मुझे ये लग रहा था मेरे ही मतलब सिविल पे शो कर रहा है, लेकिन एक दिन मैंने इनका देखा ट्विटर हैंडल, तो वहाँ पे सब लोग का प्रॉब्लम आ रहा, तो मैंने सोचा सबको मैं ये वीडियो बना के बता दूँ, इनका सोल्यूशन बता दूँ, नहीं तो ये हमारा सिविल ख़राब हो सकता है। तो देखिए मेरा काम था इन्फॉर्मेशन देना, जो सही इन्फॉर्मेशन है अब तक पहुँचाना, तो मैंने आपको बताया। तो देखिए यहाँ पे यहाँ से क्या रिप्लाई आया, यहाँ से बस यही रिप्लाई आ रहा है, जबकि मुझे कोई लोन नंबर नहीं पता है, कोई मोबाइल नंबर मैंने दिया लेकिन लोन अकाउंट नंबर नहीं पता है, सब कुछ जो भी है। फिर भी मैं इनको स्क्रीनशॉट दिया, जो लास्ट का 4 डिजिट का लोन अकाउंट नंबर दिखाई दे रहा है, तो फिर भी यहाँ से कोई अभी तक सॉल्व किया ही नहीं गया है। मतलब आप समझ रहे हैं, 2 अप्रैल को मैंने इनको मेल किया, तो रिप्लाई देखिए कितने अप्रैल को आ रहा है, 15 अप्रैल को आ रहा है। सोचिए कितनी इनकी फास्ट सर्विस है, अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए। ये रिप्लाई ही नहीं देना चाहते हैं, अब क्या रीज़न है ये नहीं पता है। देखिए फिर से मैंने इनको मेल किया, तो यहाँ से 15 अप्रैल को किया तो 27 अप्रैल को आ रहा है। अब बताइए ये अगर आप मेल करते हैं तो इसमें हमारा ही घाटा होगा, क्योंकि हमारा ही सिविल डाउन होगा। तो सबसे ज़्यादा फोकस करिए आप ट्वीट करके, इनको टैग करिए जितने जन को बोला, RBI, पेटीएम और हमारा अर्थ है, इस पर कंप्लेन करिए, ट्वीट करिए, तब जाके कुछ हो सकता है, नहीं तो हमारा सिविल बहुत डाउन हो जाएगा। मैंने आपको एक एक डिटेल बता दिया है। अगर इस वीडियो से रिलेटेड को आपको कुछ भी पूछना है या कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, वहाँ भी आप 24 आवर्स कुछ भी पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया अपडेट लेके लिए, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।